हाँ तो यार, काफ़ी टाइम बाद आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। तो यार, आज की सोशल मीडिया पे जो क्रिंज वगैरह चल रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंटेंट इससे निकाला जाए। तो आज हम बात कर लेते हैं बहन जी की, जो कि 4-5 साल पहले 16 साल की थी और अब वो माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है 4-5 साल बाद। तो रिसेंटली अभी इन्होंने करवाई है अपने अम्मी अब्बू की शादी। हाँ, अपने अम्मी अब्बू की शादी, सही सुना आपने, इन्होंने करवाई है अपने अम्मी अब्बू की मेहंदी फिर से। यकीन नहीं आता तो भाई खुद देख लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेवर। और इसी के साथ साथ ना अपनी जो जेब है ना वो टाइट रखेगा। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इनके आउटफिट और बाकी सारी चीजों की। अंगूठी देख रहे हैं, मतलब आप हाथों में कितनी, भाई कैसे उठा लेते हो इतना वजन। मेकअप का वजन तुम्हारा अलग है, अंगूठियों का वजन अलग है, इनकी चबले शुरू होती थी वो अलग फूल चाहिए। क्या वो पिंक वाला फूल चाहिए? कौन सा वाला? वो पिंक वाला, सबसे ऊपर वाला, बताना कौन। मतलब भाई कोई लॉजिक होती है ना, वो कोई हुसैन तरीन है, पापा का परा थोड़ी है, उड़ के जाएगा तो मान ली तोड़ के ला दे। मतलब तुम्हारी ख्वाहिशात भी तुम्हारी औकात से बढ़कर है। तो यार, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टिकटॉकर सहर हयात के बारे में, जिन्होंने प्लानिंग्स किसी और के साथ। फिर किसी और के साथ और फिर अब शादी कर ली सैमी के साथ। सैमी, हाँ सैमी, नहीं समझे, सैमी मतलब शहर का सह और समी का मी, तो सैमी मतलब ये हैशटैग शादी के बाद ऐसे मोस्टली बन रहे होते हैं, लेकिन इन लोग के तो जाहिर है शादी से पहले ही सब डिसाइड हुआ हुआ होता है। तो टिकटॉकर के भी भाई सही मजे। पहले अली, फिर सैफ और फिर अब शादी कर ली समी से, बर्बाद। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयशा की। तो नहीं समझे ना तुम आयशा कौन है, मैं भी समझा देता हूँ, आपका भाई इसीलिए बैठा हुआ यार, समझ गया ना, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है यार, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। देखो, नाम से उसको कोई नहीं जानता, लेकिन देखो एक्शन स्टाइल समझाएगा ना यार आपको। तो रिसेंटली अभी इनकी एक वीडियो वायरल हुई और जिसके बाद एक न्यूज हमें मिली कि इन्होंने जो है वो 2 करोड़ रुपए कमा लिए। तो सवाल ही नहीं बनता कि कैसे कमाए क्या, लेकिन भाई कमा लिए। अब तुम लोग बोलते हो इनमें ऐसा क्या टैलेंट है जो इन्होंने कमाया, तो यार मेरे भाई बात सुनो, वीडियो वायरल करने वाले भी तुम जैसी ही आवाम है इसकी। वीडियो में वैसे कोई पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई ऐसी खास चीज़ थी नहीं, डांस स्टेप एक नॉर्मल सा था और गाना वगैरह भी कोई एक ऐसी पुराना सा है, ड्रेसिंग वगैरह भी कुछ बहुत ज़्यादा आउट नहीं थी जिसपे वायरल होने वाली चीज़ है। तो भाई वायरल करने वाली भी तुम जैसी आवाम है। खैर, इस बात को हम छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम एक इंडियन की बात कर लेते हैं, जो कि जिन्होंने ऑफर दी आयशा को कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। फैजान अंसारी, पाकिस्तानी वायरल गर्ल जो है मेरा दिल ये पुकारे आजा, आयशा जिनका नाम है, उनसे उन्होंने शादी की ख्वाहिश का इजहार जाहिर किया है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो उनके ख्वाबों में आती है। मतलब ये कैसी की जल्दी है जो है जिसकी वजह से वो वायरल हुई है, वो मेरे ख्वाबों में भी आती है। अरे वाह भाई, ऐसा मैं उसका बैकग्राउंड वगैरह नहीं जानता, लेकिन भाई ने जो डिमांड दी है कि मैं इसे हक महर 15 लाख देना चाहता हूँ, और कहता उनका आगे ये भी कहना है कि मैं इन्हें हक महर में 15 लाख रुपए दूंगा। तो भाई अब इनसे शादी करना चाहते हैं, देखेंगे फिर मजीद अगर इनका चलेगा तो फिर उसकी हम बात करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कोई चीज वायरल हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वो ना है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में फिर सा निदा बाजी आपको ना चाहते हुए भी ना मैं रोस्ट करूंगा।
Guys, Nida Yase will never disappoint you. आप पहले फॉर्मूला कार, कभी क्या, और फिर अभी यहाँ पे आप समझा, तू समझा नहीं तो समझना क्या समझा नहीं नहीं। हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की अपडेट की, उसपे रिसेंटली अभी एक अपडेट आई जिस पे आप नोट्स वगैरह सेट कर सकते हो, तो आइए जरा उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। क्या क्रिंज चल रहा है यहाँ पर भी। नहाने जा नहाने, भाई ऐसे काम मत किया करो ना कि नहाने जाना पड़े, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तेरी सूरत से है आलम में बहारों की सबात, ये भाई जरा ऐसे मूड मूड में है। सो जाओ बेटे, इंस्टाग्राम पे आपकी अम्मी भी हाजिर है, सो जाओ बेटे, मतलब दिन रात सुबह शाम का आप हमें ये बताइए कब सोना है, सब जाग रहा है, मतलब अगर कोई बंदा जागा हुआ है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम खुद सो जाओ भाई, अपनी जरा रूटीन पे ध्यान दो, तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो, सो जाओ बेटे। आई लाइक पीचेस। डीएम करो स्टोरी, लाइक करने से बात आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब भाई आप इंस्टाग्राम छोड़ो और मैरिज ब्यूरो खोल लो, क्योंकि बाकी सब जो इससे वाले काम आप ज्यादा मुझे लगता है अच्छे से कर लोगे, तो ये इंस्टाग्राम छोड़ो और जाओ और मैरिज ब्यूरो खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब भाई अभी स्कूल लाइफ से निकले नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यहाँ पे जो है ये दिल विल लगाने के बाद ताले वाले ताले चाबी लगाने के साथ साथ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं, मतलब अभी नया नया रिलेशनशिप है भाई का, ये अभी शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नॉर्मली ये जो लगा रहे होते हैं वो लगाते हैं कोई मंगनी वगैरह के बाद, लेकिन ये अभी निब्बा निब्बी है 9 मैट्रिक के, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हो नोट क्या लिखा है, नहीं हूँ क्रिएटिव। चलो इस भाई ने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ यार क्रिंज करने से बेहतर है ये चीज लिख के अपना बता दो। कोई है सैड इमोजी डाला हुआ भाई के साथ, तो यार कोई है मतलब भाई, एक तो तुम लोग जो है पहले इनकी दूसरे को प्यार में पागल हो जाओगे, उसके बाद फिर जब ब्रेकअप हो जाए तो इस तरीके से नोट पे आके, मतलब अगर तुम्हें अगली ने ब्लॉक कर दिया है तो वो तुम्हारा नोट भी नहीं पढ़ सकती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुची कुची कुकू, मतलब भाई ये आपकी चैट जो है ना मुझे लग रहा है लीक हो गई है, ये आप पर्सनल भेजना चाह रहे थे उनको और आपने गलती से नोट पे पेस्ट कर दिया है, तो ये सब चीज़ें जो है ना भाई अपनी चैट तक ही रखा करो, मतलब ये क्या तुम दूसरों का दिल जला रहे हो। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, बेटा इंस्टा से घर नहीं चलता, एग्जैक्टली नहीं चलता, ये चवले छोड़ो और जाके कोई मेहनत काम धंधा करो, बदतमीज। इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे हर कोई ना मोटिवेशनल स्पीकर बना रहता है, यार तुम लोग खुद जिंदगी में कामयाब हुए हो, खुद साले तुम ऐसी कोई वेलो की तरह बैठे रहोगे और तुम दूसरों को मोटिवेशनल कोड भेजोगे, खुद अमल करो इस पे। Only दर्द नो डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को दिल में, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। बहन जी तू एक मर्तबा अपना गला मेरे सामने लेकर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ कैसे दम निकलता है नहीं निकलता। इसकी अरेंज मैरिज होगी, अच्छा है भाई ये अच्छा था है, सुनिए ना, चले सुनाई दे, अब आप इतनी प्यार से बोल रही है तो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बहन जी तुम्हें किसी दूसरे ने मुंह वैसे ही नहीं लगाना है, तो इसलिए तुम खुद ही से प्यार कर लो तो शायद तुम्हारा घर बन जाए। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, 4 स्टार के बच्चे, बात तो ठीक है, लग गए सभी के लगे पड़े भाई, सभी के लगे पड़े भाई। मैं तो टूट गया भाई,
बेटा इतने कमजोर मत बना करो ना कि टूट जाओ, मतलब टूटा दिल लगा रहे हो, साथ में तुम इमोजी लगा रहे हो हंसने वाला, समझ ही नहीं आ रही तुम्हारी फीलिंग, मतलब तुम वाकई टूटे हो या क्या है तुम? सर के ऊपर से जा रही है भाई, फर्क नहीं पड़ता। चलो बहन जी का दिल पत्थर का बन चुका है, इनको फर्क वर्क नहीं पड़ता, इनको लगाओ जरा दो चार चिबड़े, इनको पता लग जाएगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। विल यू बी माई डॉग? क्यों तू कुतिया है? रिमेम्बर द नेम लियोनेल मेसी। बेटे तू अभी जा नादरा और जाके ना अब्बा की जगह मेसी का नाम लिखवा कर आ जा। देखो वैसे ही मेसी के लिए कोई मेरा हेट नहीं है, लेकिन मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि अब अपने अब्बू ही बना लो उसको, ठीक है यार, अच्छा खेला उसने, फीफा वगैरह जीत गया, लास्ट था उसका फीफा वर्ल्ड कप ये, मतलब लेकिन अब ऐसा थोड़ी है तुम अब अपने नाम के साथ ही जोड़ लो मेसी का नाम, अजीब। मतलब आई लॉस्ट माई ओल्ड वर्जन। तो बहन जी ऑटो अपडेट से हटाना था ना, खुद ही अपडेट हो गया है वो, ऑटो अपडेट से नहीं छोड़ना था। मैसी और भाई ने आगे बनाया हुआ है गोट, मतलब बकरी, जानवर बना दिया तुमने उसको भाई, जानवर बना दिया, अच्छा वाला इंसान है वो, बकरी बना दिया तुमने उसको, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? भाई ने कुछ ज़रा लिखा है यहाँ पे हिंदी में और फिर ये वाला इमोजी बनाया हुआ है यार, मतलब रोमन में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो या उर्दू में लिख लो, हमें ये तीन जबानें तो समझ आती हैं, लेकिन ये वाली हिंदी हमें समझ नहीं आती जो आपने लिखी हुई है, मतलब बंदा जाए इसको ट्रांसलेट वगैरह करे, पता नहीं क्या इसने लिखा हुआ है। भाई भाई ने लिखा हुआ है 3-2-1 फिलिप, छोड़ दो यार इसकी जान पीछे छोड़ दो, मतलब तुम लोग फिर खुद ही बोलते हो कि यार ये बंदा फेमस कैसे हुआ है, इसी तरीके से फेमस होता है यार, इसको फेमस करने वाले भी तुम ही लोग हो। एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश, मुझे लगता है भाई का कोई चने चाट का ठेला वेला है वहाँ की चीज़ें जो है नोट वोट पे लिख के रखे हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, डेथ ये क्या है? मुझे लग रहा है भाई कहीं कब्र में वाईफाई वाईफाई कोई लगा हुआ है और ये वहीं से जो है नोट्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं। डेथ तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रा कमेंट में बता देना कि इसका पार्ट टू आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी रह गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।